एक रीमेक है और क्या मूवी दे पाएगी आयुष शर्मा के करियर को नई उड़ान। अंतिम द फाइनल ट्रिक की स्टोरी महेश मंजरेकर ने डायरेक्ट की है। फिल्म के लीड में आयुष शर्मा, सलमान खान और साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल भी देखने मिलेगी। साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर विलन निकेतन धीर भी इसमें देखने को मिलेंगे और टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता जिशु सेन गुप्ता और अभिनेत्री महेशा मकवाना भी इसमें देखने को मिलेंगे। और बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो इसका प्रोडक्शन SKF कर रहा है और ये फिल्म 21 जुलाई 2021 को Z5 पर रिलीज होगी। अंतिम की स्टोरी एक मराठी फिल्म मुर्शी पैटर्न से ली गई है। वो फिल्म एक क्राइम ड्रामा थी। वो फिल्म एक आम आदमी को कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करना पड़ता है इसी पर आधारित है। पर ये नहीं कहा जा सकता कि अंतिम एक फुली रीमेक मूवी है क्योंकि वो मूवी में कोई पंजाबी कैरेक्टर नहीं है और अंतिम में वो पंजाबी कैरेक्टर बॉलीवुड के मगस्तर सलमान खान का है और ये मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होंगे। पर जैसा कि हम लोग जानते ही हैं उनके अकेले की वजह से मूवी एक ब्लॉकबस्टर बन सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आयुष शर्मा सलमान भाई के जीजा हैं और सलमान भाई उनके बॉलीवुड करियर को लेके काफी सीरियस रहते हैं। आयुष की पहली मूवी लव यात्री ही सलमान खान के प्रोड्यूस की थी पर वो मूवी कुछ खास बॉक्स ऑफिस पर अर्न नहीं कर पाई। पर आयुष ने उसके बाद एक एल्बम में काम भी किया मांझा। उसको पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिला था जिसमें उनके साथ सई मंजरेकर भी थी। उस एल्बम में दोनों के परफॉर्मेंस काफी अच्छे थे और बहुत पसंद भी आए थे पर अंतिम में खुद सलमान खान उनके साथ मूवी में है तो आयुष को उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है कि अंतिम उनके करियर को नई उड़ान दे दे। ये मूवी नहीं है जो एक रीमेक कर रही है। इससे पहले उनकी काफी सारी मूवीज रीमेक बन चुकी है। आइए हमको उनके बारे में कुछ बताते हैं। फर्स्ट मूवी है पार्टनर। वो फिल्म रीमेक है हॉलीवुड मूवी हिच की। सेकेंड मूवी है गॉड तुसी ग्रेट हो, रीमेक ऑफ हॉलीवुड मूवी ब्रूस ऑलमाइटी। थर्ड मूवी है हेलो ब्रदर, इंस्पायर्ड बाय चेतन भगत्स नॉवल। अब तक हमने जिस मूवी की बात की है ये मूवी हिट तो रही है पर 100 करोड़ क्लब में नहीं एंट्री ले पाई है। पर अब जो मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो मूवी ने सलमान खान के करियर को अलग ही मुकाम में पहुंचा दिया था और 100 करोड़ के ऊपर की अर्निंग भी की थी। वो मूवी है बॉन्टेड, पर ये भी एक रीमेक थी तेलुगु फिल्म पोखरी की। फोर्थ मूवी है रेडी, रीमेक ऑफ तेलुगु फिल्म रेडी। और फिफ्थ मूवी है उनकी लेटेस्ट रिलीज मूवी राधे, रीमेक ऑफ कोरियन मूवी द आउटलॉस। पर उनकी सारी रीमेक्स भी सुपर हिट ही रहती हैं। लास्ट 10 इयर्स में उन्होंने 5 रीमेक्स और 20 ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स साइन किए हैं और सारे ब्लॉकबस्टर रहे हैं। पर सलमान खान का स्टारडम अंतिम में भी रहेगा या फिर वो मूवी नहीं कर पाएगी अच्छा परफॉर्म ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे जब 21 दिसंबर 2020 को फिल्म का टीजर आया लोगों ने ये ट्रेलर काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिल्म की एक अनोखी बात यह है कि महेश मंजरेकर मुंशी पैटर्न के कास्ट में थे और अब अंतिम के डायरेक्टर भी हैं। और हम लोग जानते हैं जब सलमान खान और महेश मंजरेकर साथ काम कर रहे होते हैं तब वो मूवी ब्लॉकबस्टर हो ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल दबंग, जय हो, वॉन्टेड एक्सेट्रा। पर एक बात ये भी है कि आजकल सलमान खान की मूवीज को काफी ट्रॉल किया जा रहा है जैसे कि ट्यूबलाइट मूवी से ही सिलसिला चालू हुआ था। उसके बाद उनकी सारी मूवीज जैसे भारत, रेस 3, दबंग 3 और अब राधे के साथ ऐसा ही हुआ है। उनकी एक्टिंग पर काफी सवाल उठ रहे हैं पर उनके फैंस उनकी मूवीज अभी भी देखना पसंद करते हैं। इतनी ट्रॉलिंग के बाद भी उनकी मूवी 100 करोड़ के ऊपर अर्न करती है, ये उनका स्टारडम ही है।
पर आजकल लोगों को आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विकी कौशल जैसे न्यू कमर्स की मूवीज ज्यादा पसंद आ रही है। सलमान खान अपनी स्टूडियो SKF से काफी न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं। इससे पहले सलमान खान काफी एक्ट्रेस और एक्टर्स को मौका दे चुके हैं, जैसे कि डेजी शाह, कटरीना कैफ, जरीन खान, सूरज पंचोली, सोनाक्षी सिन्हा, सई मंजरेकर, दिशा पटनी एक्सेट्रा। और ये सब ने हमें कई अच्छी मूवीज भी डिलीवर की है। पर अब बारी है उनके चीजा आयुष की, जो एक अच्छे एक्टर है और आने वाले टाइम के सुपरस्टार भी बन सकते हैं। वैसे तो हम सब जानते ही है कि सलमान खान अपनी सारी मूवीज फैमिली कंटेंट के ही रखते हैं और अंतिम में भी यही एक मूवी साबित होगी। सलमान खान इसके अलावा अपना एक ट्रस्ट चलाते हैं बीइंग ह्यूमन के नेम से। वो ऑर्गेनाइजेशन गरीब बच्चों की पढ़ाई में योगदान करता है। इसके अलावा वो काफी डोनेशन भी करते रहते हैं फॉर सेवरल डिसीज लाइक कैंसर, एड्स एक्सेट्रा। अभी लेटेस्ट सलमान ने राधे के 25% अर्निंग कोरोना के लिए डोनेट की थी और हर दिन फिल्म लाइन से जुड़े वर्कर्स को फ्री राशन भी दिया जाता है। जब तक लॉकडाउन है तब तक वो ये डोनेशन करते रहेंगे, उनका स्टेटमेंट आया था। ये काफी अच्छी बात भी है कि सोनू सूद की तरह अब सलमान खान भी अब अपने आके मदद करने लगे हैं, क्योंकि देश को अभी उनकी ज्यादा जरूरत है और सलमान खान वैक्सीन लगा के यूथ को इनकरेज भी कर रहे हैं ताकि वो भी वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा सके। तब मिलकर कोरोना को हराए आयुष भी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के साथ मिलकर सलमान के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। और बात की जाए सलमान खान के खिलाफ जा रही ट्रोलिंग की, राधे के रिलीज के बाद D5 के शेयर काफी बढ़े हैं और राधे 2021 की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज में से एक है। इससे पता चलता है कि सलमान खान की मूवी जब भी आती है अच्छा बिजनेस जरूर करती है। इस ईयर सलमान की 3 मूवी आने वाली थी, राधे, अंतिम और फिर टाइगर 3 की भी खबरें आ रही है। और टाइगर 3 YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी हो सकती है और उनके फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार भी है। पर अभी तो उनका सारा ध्यान अपकमिंग मूवी अंतिम द फाइनल ट्रिक पर है। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।